हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं या आरपीएफ एसआई में, तो जीएस की मेन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप कौन कौन से बुक से अपना आरपीएफ का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और कौन कौन से टीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है और किस तरीके से, अगर आप एज ए बिगनर हैं तो किस तरीके से कम समय में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें स्टडी प्लान पूरा हर चीज़ डिटेल प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी आपको जो एसएससी सीपीओ सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में भी आपको हेल्प करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको मैथ्स का जीएस का एक एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगी, बाकी बताऊंगी कौन कौन से बुक से लिमिटेड चीज़ें कैसे पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 2018 में जब हुआ था मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने अपने नोट्स बनाए थे किस तरीके से मैंने क्या प्रिपरेशन करी थी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी क्योंकि यहाँ पर जो गलतियाँ मैंने की थी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वो गलतियाँ आप ना करें। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं कि जीएस को आप कैसे कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास लिमिटेड समय है, तो लिमिटेड समय में चुनिंदा चीज़ें क्या क्या पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि ये वैकेंसी हर बार नहीं आती है। आप लोग जैसे कि देख ही लो कि 2018-19 के बाद अब यहाँ पर 2024 में ये वैकेंसी आई है। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन कौन से बेस्ट टीचर्स हैं जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो भी फ्री, आप फ्री में यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल सजेस्ट करूँगी कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करके आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरीके से कौन कौन से टीचर्स से पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बोल दूँ कि टीचर्स आपको सजेस्ट करेंगे, गाइडलाइंस देंगे, गाइड करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको खुद से लगन से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो मैं स्टडी प्लान या स्ट्रेटजी यहाँ पर बता रही हूँ अगर आपने ये फॉलो करी, तो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि यह श्योर है कि अगर आप बिगनर हैं या रिपीटर्स हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टीचर्स बताती हूँ, जैसे कि आप RWA रोजगार विद अंकित नवीन सर जीएस पढ़ सकते हो, उनसे रोजगार विद अंकित के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको लगा सकते हो। बाकी शुभम सर को फॉलो कर सकते हो, आरबी रेवोल्यूशन एक चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर साहिल खंडेलवाल सर का चैनल है, एसएससी क्रैकर्स मेकर्स करके चैनल है, यहाँ पर ये जीएस के लिए बहुत अच्छा है। बाकी 10 मिनट शो अगर आप देखना चाहते हो, शॉर्ट में कोई चीज़ रेडी करना चाहते हो, तो आशुतोष अड्डा 24/7 से आप कर सकते हो। बाकी रीजनिंग के लिए पीयूष सर को फॉलो कर सकते हो और शुभम सर जो आरबी रेवोल्यूशन चैनल चलाते हो उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत हेल्पफुल होती है, तो आप उनका टेलीग्राम चैनल फॉलो करके उनकी पीडीएफ जो उनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं तो उनसे पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर खुद की नोट्स की बनाने की बात करें, मेक ओन नोट्स की, तो आपको नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने का समय नहीं है। अब आपको कोई भी यूट्यूब टीचर को अगर आप फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, उनके वीडियोज़ देख रहे हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हो, तो आपको उनके नोट्स में सिर्फ मेन मेन चीज़ें लिखनी है। जैसे वो कुछ बोल रहे हैं तो उन चीज़ों को कॉपी कर लो, आप लिख लो एक जगह, या कोई वो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं या फिर कोई चीज़ बहुत बार रिपीट करी गई है या आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो उनको नोट डाउन करो। मतलब कि जो मेन मेन हेडलाइंस, मेन मेन चीज़ें हैं जो आने के चांसेस होते हैं या पूछे गए हैं, रिपीटर्स क्वेश्चंस हैं, उनको डिटेल में नोट कर लो, अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो। या फिर आप सबसे बेस्ट है कि जीएस के लिए कौन कौन सी बुक ले सकते हो, तो जैसे करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो आपको 6 महीने या 1 साल वाली पढ़नी है, उनकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। बाकी ये जो स्पीडी बुक है आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप ये पढ़ सकते हो। बाकी जीएस के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, लूसेंट की इस तरीके से बुक आती है, आप ये बुक लेकर पढ़ सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चाहो तो किरण का लगाओ, वो भी बेस्ट है, बट मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ वो इससे प्रैक्टिस करती हूँ, जो कि ये पिनाकल की बुक है। इसमें चैप्टर वाइज हर चीज़ दी हुई है और ये बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पर आपके अभी 2023 में भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सबके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बाकी रीजनिंग में भी मैं ये पिनाकल की ही बुक यूज़ करती हूँ, इसी की बुक मैंने यूज़ करी थी, इससे काफ़ी हेल्प भी मुझे मिली थी। तो ये सारी बुक्स हैं, बाकी किरण की भी प्रैक्टिस करी थी मैंने। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी लगाओ, चाहे किरण का लो चाहे पिनाकल का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो कि किस तरीके से आया था, फिर उसको प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट होता है कि आप कोई भी टॉपिक लो, जैसे मैथ्स की बात करूँ तो परसेंटेज टॉपिक लिया आपने, परसेंटेज के टॉपिक टाइप वाइज क्वेश्चंस पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो कि उस कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए, फिर उनको प्रैक्टिस करो, या फिर आप सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस करो। मतलब कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेकर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैथ्स में चुनिंदा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको एज अ बिगनर पढ़ने की ज़रूरत है या जिनकी मैथ्स वीक है, सिर्फ चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़कर भी आप मैथ्स में 35 में काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगी जो पूछे ही पूछे जाते हैं और पहले भी 2018 में
पूछे गए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैथ्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपको एडवांस मैथ हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए, एल्जेब्रा है उसके फॉर्मूले आने चाहिए, आपको आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें, जैसे एसएससी वाले हैं तो उनको वो चीज़ें आनी चाहिए। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये आपको एसएससी के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लो, उसके कॉन्सेप्ट समझो। यूट्यूब चैनल पे जो टीचर्स हैं उनका कोई भी एक वीडियो देख लो, जैसे कि मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, राकेश सर हैं, अभिनय सर हैं, सब कोई अपने अलग अलग जो टीचर्स उन्हें समझ में आते हैं उनसे पढ़ता है। तो आप कोई भी एक टीचर को फॉलो कर लो। जैसे कि मैंने तो क्या किया था, कुछ टीचर्स कुछ टॉपिक्स तो मैंने गगन सर से पढ़े थे, तो कुछ टॉपिक्स आदित्य रंजन सर से पढ़े थे, क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक्स उनके ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे थे, कुछ उनके ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे थे। फिर नोट्स बना रही थी मैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ट्रिक्स जो मैं याद रखनी है, तो इस तरीके से आप भी नोट डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपने जैसे कि परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, जब उसको पढ़ लिया या उसके दो तीन टाइप के क्वेश्चन आपने सीख लिए, तो उसको सेक्शनल वाइज आप प्रीवियस क्वेश्चन से लगाना शुरू करो। कि आपने परसेंटेज लगाया तो फिर आप जो भी एक मतलब कोई भी एक प्रैक्टिसर उठा लो प्रीवियस क्वेश्चन का, फिर उसी से आप परसेंटेज के क्वेश्चन लगाओ। इसी तरीके से फिर आपने CISI पढ़ लिया उसके लगाओ, डिस्काउंट पढ़ लिया उसके लगाओ, फ्रैक्शन पढ़ लिया, डेसिमल पढ़ लिया उसके लगाओ, अलजेब्रा के लगाओ, इसी तरीके से फिर सिंपल इंटरेस्ट के, इसी तरीके से आपको सारे अलग अलग टॉपिक्स के लगाने होंगे। क्योंकि यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने पेपर दिया था तभी क्वेश्चन आए थे, तो मुझे याद था इसलिए मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो कमेंट करके बोलना, तो मैथ्स का मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगी। बाकी कौन कौन सी ट्रिक्स हैं तो उन चीज़ों को लेकर आप अपना जरूर फॉलो कर लो। जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो आप एक नोट बना लो या दीवार पे पेस्ट कर लो या रजिस्टर पे एक जगह लिख लो, सारे फॉर्मूले सारे ट्रिक्स आप रिवाइज करोगे, लर्न करोगे डेली डेली। इसी तरीके से रीजनिंग में भी आप फॉलो कर लेना, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ ट्रिक्स कुछ मैथड्स होते हैं जो आपको जाना बहुत ज़रूरी है। कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाना ज़रूरी है, तो उनको आप पॉइंट्स में बनाकर लिख सकते हो। फिर अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, सेक्शनल वाइज आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको आई हैं या नहीं आई हैं। जैसे कि आपने परसेंटेज पढ़ा, आपने उसको प्रैक्टिस सेट लगाया, आपने देखा कि परसेंटेज का क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया था लेकिन मुझे फिर भी नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को टिक कर लो। इसी तरीके से GS जैसे बहुत लोगों को लर्न नहीं होती, आप रट नहीं सकते हो, जितना ज़्यादा रट होगी हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, क्योंकि मुझे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब पढ़ती थी या लूसेंट बुक से पढ़ती थी, तो डेली जैसे मैंने एक टॉपिक उठा लिया, मेडिवल पीरियड का कोई पढ़ लिया या एंशियंट हिस्ट्री का पढ़ लिया या मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी एक उठाया टॉपिक कि मुझे ये पढ़ना है। जैसे मान लो कि मुझे मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना, तो मैं पहले मुगल डायनेस्टी पढ़ती थी, लर्न करती थी, मेन मेन चीज़ें पढ़ती थी, और फिर दूसरे दिन जब उसको रिवाइज करती थी, देखती थी क्या चीज़ें मुझे आ रही क्या नहीं आ रही। जो चीज़ें नहीं आती थी दूसरे दिन, मैं उनको टिक लगा लेती थी कि ये चीज़ें मुझे डेली पढ़नी हो, फिर उनको कम से कम 5 बार रिपीट करती थी, उनको पढ़ती रहती थी, जिससे कि वो मुझे याद हो जाए। फिर जब तीसरे दिन पढ़ती तो पहले मुगल डायनेस्टी में जो पढ़ा उसको रिवाइज करती थी, फिर उसके आगे बढ़ती थी। इसी तरीके से आप GS पढ़ सकते हो, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि GS जो है ना, मेरा ऐसा मानना है कि उसको बार बार रीड करने से भी GS आती है। तो आप लोग अगर ये हैबिट बना लो कि रोज़ GS में कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लो, फिर उसको कई दिन अगर कई समय कई बार लगातार पढ़ोगे तो भी आपको वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर जो चीज़ें भूलते हैं उसमें टिक लगा लेते हैं या फिर अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। फिर बाकी आपको एक सेपरेट कॉपी इसीलिए बनानी जिसमें कि आप लोग जो चीज़ें भूल रहे हो, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, उसको आपको नोट करना है। फिर जब आप मॉक टेस्ट दो ना, तो सबसे मेन होता है एनालिसिस करना। जैसे कि आपने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया, परसेंटेज के बाद अगर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा रहे हो जिस चैप्टर से पढ़ रहे हो उसी के, तो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो जो आपने सेपरेट कॉपी बनाई उसमें लिख लो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये ट्रिक नहीं आ रही। सबसे मेन होता है कि आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है या अलजेब्रा जो कुछ क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको यहाँ पर स्पीड बढ़ानी है, आपको अपने वीक पॉइंट्स का एनालिसिस करना है कि कौन सी चीज़ों में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो, या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये चीज़ का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टाइप वाइज क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फिर डेली रिवीजन करना सबसे मस्ट है। जैसे कि आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा या हिस्ट्री में पढ़ा, कोई पॉलिटी पढ़ा या पॉलिटी के मान लो शेड्यूल्स पढ़े या फंडामेंटल राइट्स पढ़ा या आर्टिकल्स पढ़े, तो सबसे पहले क्या करना है, आप वो चैप्टर या वो टॉपिक या वो पेज जितने भी दिनों में कंप्लीट कर रहे हो, सबसे पहले जब आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव करो, तो सबसे पहले गलती क्या करते हैं लोग, रिवीजन करते ही नहीं है या फिर बहुत जल्दी जल्दी में रिवीजन करते हैं, या फिर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कुछ चीज़ें रिवीजन नहीं करते। आपको क्या करना है, चाहे GS हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, जब आगे आप पढ़ रहे हो ना, जब जैसे कि परसेंटेज के आगे आप CISI पढ़ रहे हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो अगर मान लो,
कोई भी मतलब एक आप अपने हिसाब से देख लो कौन सा टॉपिक आप पहले पढ़ो, उसके हिसाब से जब दूसरा नेक्स्ट मूव करोगे ना, सबसे पहले आप नेक्स्ट करते जाओगे प्रैक्टिस, लेकिन आपको प्रीवियस के 5-5 क्वेश्चंस या 5-5 या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी बुक पढ़ रहे हो उनके पिछले वाले पेजेस आपको सबसे पहले रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये हैबिट आपने बना ली ना तो पक्का श्योर है कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सा बार क्या होता है हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, आगे चीज़ें पढ़ते जाते हैं, बट पीछे का रिवीजन अगर नहीं करते हैं लॉन्ग समय तक तो वो चीज़ें हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती है या फिर हम भूल जाते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या था, फिर एक बार में कभी गेस नहीं कर पाते। और स्पेशली जीएस में क्या, आप जितना ज़्यादा रीडिंग की हैबिट बनाओगे जीएस आपको उतना ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो आप बुक कौन कौन सी ले सकते हो जीएस के लिए, जैसे लूसेंट या घटना चक्र है तो भी ठीक है, स्पीडी, बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए आप चाहो तो किरण की ले लो, पिनाकल की ले लो, एक अब मार्केट में चक्षु की आने लगी आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, बट यहाँ पर किरण पब्लिकेशन और पिनाकल की सबसे बेस्ट बुक है। मतलब यहाँ से आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, ऑनेस्ट के साथ पढ़ाई कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी भी मैटर करती है, बाकी आपको टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, आपको पेड कोर्स अगर आपने ले रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप फ्री में भी इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा कि आप आराम से पढ़ सकते हो। बाकी जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको अपने यूट्यूब अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करती रहूँगी। बाकी आप अरिहंत के ले सकते हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो नियॉन की स्टार्टिंग जीके वन लाइनर आती है वो पढ़ सकते हो। आपको जीएस में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे डेली उन चीज़ों को रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें आएंगी। अब मैं बात करूँगी जीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आरपीएफ में साइंस ज़्यादा आती है, और जैसे एसएससी में स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा होता है, क्लासिकल डांस, फोक डांस, लेकिन यहाँ पर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए आप लोगों को साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके में फोकस करना। आपको करंट अफेयर्स में बता दूँ क्या क्या पढ़ना है, तो लास्ट 10th से 12th मंथ की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। आप डेली डेली बेसिस पे मत पढ़ो, वीकली मत पढ़ो, आप 6 महीने वाली करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ना। बाकी आप ईयरली जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी स्कीम, समिट, इवेंट्स, जो रेलवे योजना है, स्पोर्ट्स हैं, जैसे अभी आईपीएल हुआ, जो जो मोदी जी इवेंट कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पढ़नी होंगी। अब मैं बताती हूँ स्टडी प्लान कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको डेली स्टडी करना है, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आपने टारगेट ले लिया कि हमें डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना, 6 से 8 घंटे का टारगेट बनाया तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। आप एक डेली टारगेट सेट करो कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि एसएससी वाले आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम फ्रेजेस, इन सब का अपना टारगेट बना लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की इंग्लिश भी रोल प्ले करती है आपका जो एग्ज़ाम में होता है एसएससी का, चाहे वो सीपीयू का हो, सीएचएसएल का हो, सिलेक्शन पोस्टल का हो या सीजीएल का हो। तो आप इंग्लिश का ऐसे टारगेट बना लो कि आपको डेली क्या क्या लर्न करना। बाकी जीएस में जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका उसमें भी जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर बाकी आप अपने चाहो तो खुद के नोट बना लो, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो आने वाले उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी आप लिमिटेड रिसोर्सेज ही यूज़ करो, आपको बुक बदलने की जरूरत नहीं है, टीचर्स बदलने की जरूरत नहीं है, एक बुक फॉलो करो, दो बुक फॉलो करो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो फिर उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, कोई भी एक बुक ले लो उसी को बार बार रिवीजन करो, उसी को बार बार रिवीजन करते रहोगे, वर्बलाइज करते रहोगे तो चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूलेज और ट्रिक्स आना आपका बहुत ज़रूरी है, आपके कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। फिर रीजनिंग में भी आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो, उनको सॉल्व करो, सेक्शनल वाइज टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, फिर देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। आप पहले तो अपना सिलेबस कुछ दिन तक कंप्लीट कर लो, कुछ टॉपिक वाइज आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, समझ लो, फिर उसके बाद सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। कम से कम आपको हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देने होंगे, आपको ये टारगेट लेके चलना होगा, लेकिन 1 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके बाद। बाकी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरपीएफ की हो, रेलवे, एसएससी, कोई भी हो, आपको सबसे पहले सेल्फ स्टडी करना होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मुलेज लर्न होने चाहिए, फिर आपको यहाँ पर मतलब कि एनालिसिस करना होगा कि किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, और फिर उन्हीं में आपको एनालिसिस करके उन पर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी होगी जिससे कि आप इम्प्रूव करो। बाकी आप टॉपिक वाइज पढ़ के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। इस तरीके से तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश करी है कि आप किस तरीके से अपना सिलेक्शन ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि जो रिपीटर्स होते हैं वो मेनली यही मतलब उन्हें तो पता ही होता है कैसे पढ़ना, बट फिर भी उनको अपने वीक पॉइंट्स पे, अपनी गलतियों पे फोकस करना होता है कि दोबारा आप अपना जो भी एग्ज़ाम दो उसमें आप अपना सिलेक्शन लेके रहो। बाकी यहाँ पर मैं आपको जीएस के कुछ टीचर्स का दिखाती हूँ कि कौन कौन से बेस्ट टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको
हर सेक्शन के टीचर्स बताऊंगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे पॉलिटी के लेट्स क्रैक यूपीएससी करके चैनल है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 48 आवर्स का वीडियो है, तो आप इसको शॉर्ट में अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर एम लक्ष्मीकांत बुक एक आती है वो पढ़ सकते हो, या फिर आर के दुबे पाठशाला ज्योग्राफी के टीचर, इनको फॉलो कर सकते हो, इनसे पढ़ सकते हो। हिस्ट्री जैसे 3 पार्ट में होती है, मेडिवल, एंशियंट और मॉडर्न, इसके लिए आप अभियान शुभम गुप्ता सर, एन अकेडमी, उनसे पढ़ सकते हो। जैसे कि हिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो यहाँ पर अभिज्ञान शुभम गुप्ता सर, एन अकेडमी चैनल, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में भी आप एन अकेडमी चैनल से फॉलो पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर आप हिस्ट्री जो है ना, आप RWA चैनल से पढ़ सकते हो, या फिर आप RBE चैनल से भी पढ़ सकते हो, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, मतलब टीचर्स टॉपिक्स के टीचर्स बता रही हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे वो RPF की हो, रेलवे की हो, CRPF, BSF, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे वो SSC CPO हो, CGL हो या CHSL हो, सब में आपको हेल्प करेंगे। आप इकोनॉमिक्स भी अनअकैडमी से पढ़ सकते हो। बाकी रोजगार विद अंकित सर का जो चैनल है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी शुभम सर से भी पढ़ सकते हो, RB रेवोल्यूशन सर जो चलाते हैं चैनल, RB रेवोल्यूशन करके। बाकी यहाँ पर RWA में आप ज्योग्राफी अंकित सर से पढ़ सकते हो, स्टैटिक जी के नवीन सर से पढ़ सकते हो, और फिर आप गौरव सर से भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। बाकी आशुतोष सर पढ़ाते हैं 10 मिनट्स वो करके जो चलाते हैं वो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस, उनसे आप कवर कर सकते हो, काफ़ी GS आपकी कवर हो जाएगी। बाकी फिजिक्स भी आप RBE रेवोल्यूशन चैनल या फिर एग्जामपुर चैनल से पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री आप वाईफाई स्टडी करके जो चैनल है वहाँ से पढ़ सकते हो। बायोलॉजी आप खुशबू मैम से पढ़ सकते हो, या फिर आप रैंकर गुरु आदित्य सर रंजन सर का जो चैनल चलता है वहाँ पर एक मैम है वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनको फॉलो करके आप अपना साइंस कवर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर विपिन गोयल है, SSC क्रैकर है, राहुल मिश्रा ऑलिव बोर्ड, ये कुछ चैनल और टीचर्स है जहाँ पे आप फॉलो करके पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट सोर्सेज हैं आपके, जिससे कि आप बेस्ट सोर्सेज जिससे आप GS कवर कर सकते हो, तो लूसेंट सबसे बेस्ट सोर्स है, स्पीडी